हेलो मेरा नाम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्लॉग्स एंड दिस इज अ बॉय मोहम्मद मेहद हुसैन। तो जिसे मैंने कहा था अभी से तो रोज़ का एक एक ब्लॉग मैं डालने वाला हूँ, तो अभी क्या डालने वाला हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन रोज़ का एक एक ब्लॉग मैं डालने वाला हूँ। अभी सीन है कि आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, अराउंड 2 बजे मैं उठा, तो काफ़ी लोगों का मुझसे एक क्वेश्चन था तो मैं उसका आंसर आज देने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि सब लोग बोलते हैं मैं एक बंदे को कॉपी करता हूँ, तो जी हाँ मैं प्राउड हूँ कि मैं उस बंदे को कॉपी करता हूँ, लेकिन कंटेंट या फिर उसका एडिटिंग स्टाइल में कॉपी नहीं करता, उसका जो मतलब उनसे मैं मोटिवेट होता हूँ, तो इसलिए उस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। मोटिवेशन जो आता है उनसे, पॉजिटिविटी जो आता है उनसे, तो मैं वो कॉपी करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरा इंट्रो भी सेम है, तो अगर आप लोग अच्छे से देखें तो मेरा इंट्रो सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, फिर भी मतलब अगर भाई को कॉपी किया हो तो थोड़ा कोशिश करता हूँ कि भाई के जैसा ही कुछ ना कुछ कर लूँ, लेकिन भाई भाई है, भाई से कॉपी नहीं होगा उतना, भाई बहुत ऊपर के लेवल में है, तो जिनके बारे में बता रहा हूँ तो उनको आप लोग पहचानते हो, हमारे MS के भाई। तो ज़िंदगी में पहली बार अगर मैंने ब्लॉग देखा था किसी का तो MS के भाई का ही था। और सॉरी, मेरे ऊपर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेफ्ट साइड में ब्रिज का काम चल रहा है, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का आवाज़ मिलते रहता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सीन ऐसा है कि ज़िंदगी में पहली बार क्लास 8 या 9 में जब मैंने पहली बार मोबाइल लिया, उसमें यूट्यूब में मैंने ब्लॉग देखा था, तो MS के भाई का ही ब्लॉग देखा था सबसे पहले, और उनसे ही मुझे पता चला राइडर गर्ल विशाखा के बारे में, उनसे ही मुझे पता चला मुंबईगढ़ निखिल के बारे में, क्योंकि उसके पहले मुझे किसी भी इन सब ब्लॉगर के बारे में पता नहीं था। तो पहले मुझे ज़िंदगी में पहला ब्लॉगर जिसका मुझे वीडियो मिला था वो MS के भाई का ही था, तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हूँ, इंस्पिरेशन है वो मेरे बोलने से एक टाइप का। उनका फिर भी उनका जैसे बात करने का स्टाइल है वो अपन नहीं सकेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का एक स्टाइल है, खुद का एक एडिटिंग का स्टाइल है, तो फुल्ली मैं कॉपी नहीं कर सकता उनको, क्योंकि वो बहुत ऊपर दर्जे के इंसान है भाई। जो भी हो, अगर आप लोगों को लगा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ उसके लिए कि मैं भाई के जैसा कुछ कर पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली खुश हूँ उस बात से, मुझे दुख नहीं है। तो अभी ऐसा है कि हम क्या करने वाले तो आज मैं सोच रहा हूँ, जैसे रोड रेज का वीडियोस होता है आप लोग ने देखा ही होगा, तो आज अपन रोड रेज का वीडियो देखेंगे और उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, तो देखते हैं कैसा होता है। तो मतलब एक टाइप का रिएक्शन वीडियो है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद होगा। तो अभी हम लोग कंप्यूटर में बैठते हैं, अपना कंप्यूटर, तो और ये मेरा ऑफिस रूम का जैसा है, मतलब यहीं पे मैं काम करता हूँ, यहीं पे मेरा ये बिस्तर है, इसमें ही सोता हूँ। मेरा असली रूम पीछे वाला रूम है, एक दिन मतलब सोच रहा हूँ कि कल घर का भी ट्यूटोरियल दे दूँगा। तो अभी अपन जाएंगे कंप्यूटर में बैठते हैं, उधर रोड रेज का वीडियो लगाते हैं और देखते हैं कितना कुछ वीडियो हम लोग को मिल पाता है, और अच्छा लगे तो जरूर, तो आपको पता ही है, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज अपन करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो मतलब कंटेंट ऐसा ही है कि कंटेंट आजकल जो है बनाना, जो भी है घर से ही बनाना है। अभी जिनको पता है तो पता ही है, कल अपन गए थे मनाली, अपने मनाली लाइट हमारे गुवाहाटी में, तो वो भी मैंने बताया, मैंने उसको क्यों मनाली बताया, क्योंकि अब मेरा प्लानिंग था मनाली नहीं तो तवांग जाने का, लेकिन जा नहीं पाए हम लोग लॉकडाउन की वजह से, इसलिए जो भी हैं हम लोग जहाँ गए उसमें हम लोग मनाली और तवांग का वाइब्स ले रहे थे। तो जो भी हो, अच्छा, आशा करता हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर नहीं आया है तो उसके लिए भी दुखित हूँ मैं। और जिन लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा है ब्लॉग का लिंक, दबाइए और जाके देख लीजिएगा, मतलब इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, पहले ये वीडियो देख लीजिए, रोड रेज रिएक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोड रेज रिएक्शन वीडियो। अरे अरे सॉरी, अभी चल जाता गाड़ी इंडिकेट कब होता है, गाड़ी मोड़ के आप इंडिकेट करोगे, गाड़ी आप गाड़ी मोड़ कर इंडिकेट करोगे, आप एक मिनट, आप गाड़ी मोड़ के इंडिकेट करोगे, हम वो चेक कर लिया, आप गाड़ी मोड़ के इंडिकेट करोगे, आपको इसको जानते हैं, ब्रेक नहीं लगा भाई साहब, तो आप गाड़ी मोड़ के इंडिकेट करोगे, सुनिए ना, तो हम लोग देख रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अरे भैया आप इंडिकेट दोगे ना,
बैठिए अंदर, चाबी दो, चाबी दो, छोड़ो चाबी दो इनको। देख लीजिए ना, हम देख रहे हैं। अरे भैया जान रहे, मर जाएगा इन लोग के चक्कर में आदमी, इन लोग के चक्कर में आदमी मर जाएगा। अरे भैया ऐसा नहीं होता ना भैया, भैया ऐसा नहीं ना होता है, गलती है तो समझाएंगे ना। बढ़ावा दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मर जाएगा तो आप बचाने आइएगा। ये नो एंट्री में गाड़ी है, अभी हम घुमा कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है ना। आप हमको रूल मत सिखाइए, जाम लग रहा है ना, जाम लग रहा है, मर जाएगा इंसान और जाम लग रहा है आपको। काम जरूरी है, ज्यादा आदमी के जान से। हां गलती मान लीजिए, गलती नहीं मान रहे और ऊपर से दिखा रहे हैं। चलो छोड़ो, हटाओ गाड़ी, निकालो, साइड करो। गलती होता तो माना करो और कुछ नहीं। तो ये जो क्लिप अभी देखा, इसमें एक चीज आप लोग ने नोटिस किया, एक एक बीच में आदमी आया था ब्लू कलर का टी शर्ट, ब्लू कलर का शर्ट में, तो वो भाई साहब पता नहीं क्या उस्तादी मारने आए थे अंदर में। वो पहले बाइकर के साथ लग गए झगड़ा, पहले बाइकर के साथ लग गए, फिर पता चला नहीं गाड़ी वाला का दोष है, फिर वो गाड़ी वाला के साइड चला गया। उनको बोल रहे कि गलती हो रही है तो मानना चाहिए। नहीं भाई साहब आप बीच में आए क्यों, मुझे समझ में नहीं, आप बीच में आने का दरकार ही नहीं है। वो लोग का प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना भाई। वो गाड़ी वाले ने बिना इंडिकेटर के गाड़ी घुमा दिया, उसकी उनका लग गया, कुछ स्लिप स्लिप हो गया। भाई तुम आके बीच में कहा है अपना उस्तादी मार रहे हो भाई। ये इस किस्म के आदमी से मुझे नफरत है, क्योंकि ये आके मतलब बीच में अगर कुछ सिचुएशन नॉर्मल भी है, ये लोग कुछ और बना के उल्टा आपको पिटवा देंगे, ऐसा सीन है लोग का। अभी देखते दूसरा क्या। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पीछे से रिकॉर्डिंग है। तेरे को तू ठीक है, ठीक है, साइड में ले, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी को साइड में ले। इसको रुका रहे थे, रुका क्यों नहीं, दो किलोमीटर से रुका रहे, पहले मेरे को ठोकने लगा फिर इसको ठोक रहा, अभी सामने सामने ठोका ना। और क्या आप लोग हमको धक्का दे रहे हो, हटा रहे हैं, चल बैठ बैठ, कर रहे हैं ना यार, चल चल बैठ बैठ, रुक रुक मेरे को हटाने दे वहां से, फालतूगिरी कर रहे हैं। साइड हो जाओ एक मिनट, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। इतनी शर्म की बात है, एक लड़की को पीछे से आके एक ऑल्टो वाले ने ठोका, उसके बाद उस लड़की को किसी और एक इंसान ने आके पीछे से धक्का दिया, काफी शर्मनाक बात है भाई। पहले सिचुएशन जान तो लो क्या हो रहा है, मतलब दुख लगा मुझे ये वाला रोड रेस देख के, मतलब क्लिप मुझे दिखा भाई, बहुत दुख लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी लगता है कुछ देर में पुलिस आने वाला है, ये अगर नहीं हटाया ना अपना कार, वे तेरी माँ की। भैया थोड़ा गाड़ी हटा दो, नहीं तो फिर ट्रैफिक हो रहा है पीछे, देखो। अरे यार तेरी माँ की, अरे यार।
भाई यार तू निकल ना भाई, तू निकल ना, तू जा ना भाई, फालतू कर। तो ये जो क्लिप था इसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है, एक जो झगड़ा था एक व्हाइट टी शर्ट के और एक रेड टी शर्ट के साथ में था एक्चुअली झगड़ा, तो लेकिन उसमें एक लौंडा आया ब्लैक कलर का शर्ट पैंट पहन के ऊँचा लंबा, वो आके पहले बोलना शुरू किया कि मेरा भाई है, मेरा भाई है, उसे बोल के वो उसको मतलब दम दे के धक्का मुक्की वो लोग का स्टार्ट हुआ। फिर लास्ट में मुझे अच्छा ये लगा कि भाई वही इंसान पिट रहा है भाई वापस। तो एक्चुअली हंसने का बात नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ तो कॉमी नहीं लगा, क्योंकि पहले आके भाई गुंडागर्दी दिखा दी, बाद में खुद मार खा रहे उससे, मतलब क्यों, वाई, किसके सपोर्ट पे गए थे वहाँ पे तुम, अगर तुम्हारे पास मारने का दम नहीं है तुम क्यों गए उधर, क्यों, वाई, जल्दी आओ। आंटी जी ये किनारे खड़ी, तो तुमने किनारे गाड़ी दाबी है, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ऑन था कैमरा, हाँ देख लूंगा, तुमने किना पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसने खुद कहा है कि ये तो आप पे चढ़ा देता, कौन चढ़ा देता, तुम कैसे चढ़ा देते, अभी पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा, पूरी रोड आंटी खाली है, वो किनारे थी, इन्होंने गाड़ी ऐसे दाबी और एकदम उसके बाद गाली दे रहे हैं, नहीं गाली दी है आपने, मैं यहाँ आया हूँ, तुम आपने अंदर बैठ के सीधे गाली दी, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, आंटी साहब आंटी आपने जान नहीं दिया, अभी मैं मर जाती तो क्या था, मर कैसे जाती, क्यों ऐसे, मैं अब बता रहा हूँ मेरा मूड खराब हो गया है, ठीक है तमीज में रहो, प्लीज आपके साथ में ऐसे आपको बिहेव करना चाहिए, नहीं आपके साथ में लेडीज है आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, आपने सबसे पहले गाली दी है, अरे नहीं ऐसा, नशे में हो क्या, नशे में आप हो, नशे में आप हो, लग रहा है साफ, नहीं आप हो, ये देखो क्या देखे यार, चूतिया बना, गाड़ी चूतिया बना रहे हैं, हमको पाना खोल लिया है, तुम लोग धीमे आ रहे थे, तुम देखते ही गाड़ी एकदम तेज कर दी है, क्या हम लोग नक्शेबाजी कर रहे थे क्या, आप हमने देख लिया नक्शेबाजी, कल आप देखिएगा, कल आप देखिएगा गूगल पे और यूट्यूब पे, पागल हो यार, गाड़ी होनी चाहिए, मैं चुप नहीं है, हां जेनी हटो, बदतमीजी का हम लोग यहाँ, इधर 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 इधर, क्या ज्यादा जोश आ रहा है, ज्यादा जोश आ रहा है, ये किनारे खड़ी थी, हम लोग फोटो खींच रहे, आया एकदम से इसके ऊपर चढ़ाने लग गया, उसके बाद मैंने कहा क्या बदतमीजी, तो कह रहा माधर चोर, इन्होंने गाली दी, माँ कसम इसने गाली दी, कौन दिया, इसने क्यों नहीं देंगे आपके पिता, बस पिता तुम्हारी माँ की चूत, पिता है मेरे, वो पिता है मेरे, वो पिता है मेरे, तेरी माँ, हाँ तू बाहर आ, तू बाहर आ, तुझे बताता हूँ, बाहर आ, तेरी माँ की चोट, गाली दे रहा बोतली का, नहीं तू रख माँ के लौड़े, ये पकड़ो, मैं बता रहा हूँ, मैं पेल दूंगा, अंदर बैठ, बैठ अंदर, तो ये वाला जो था मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या है, क्यों है, वो लोग पहले फोटो खींच रहे थे, फिर पीछे से ये गाड़ी आए, फैमिली वाले थे, लेकिन आके लड़की पे चढ़ाना शुरू कर दिया था, उसके बाद गाली गलौज लड़की से, तो काफ़ी ख़राब लगा मुझे ये देख के, पता नहीं लोग ये सब करते क्यों, क्यों, वाई ब्रो वाई, अब भाई पूरा का पूरा फैमिली नशे में, ऐसे कैसे पूरा का पूरा फैमिली नशा करके गाड़ी चल रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई नशा वशा कर, उसके बाद पापा का वीडियो, पापा का क्लिप देखो, फुल नशे में लौंडा अंकल जी, पूरा नशे में उधर अंकल जी बोल रहे आज मैं वाइफ लेके छोड़ूंगा,
झगड़ा का वाइब मुझे लेना ही है आज। मैं कौन हूँ जानता है तू कहाँ कर रहा है हम लोग तो ठीक है चला रहा था तू कौन है तू ऐसे सब रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे ठीक है सब रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे तू कैसे गाड़ी चला रहा है ठीक है रुक मैं पुलिस को बुला के रहा था रुक देख तू अभी क्या हुआ वो मैं नहीं कर रहा था भाई गाड़ी का पेपर सर गाड़ी का पेपर सर सर हम लोकल का आदमी है यहाँ पर ही रहते हैं। क्या हुआ क्या सर छोड़ दिया सर गाड़ी के पेपर से हेलमेट नहीं घर में लगा है हेलमेट कहाँ है आप गलती हो गया मेरा पेपर से तुम मेरा चिंता मत करो दोस्त नहीं है मैं बताता हूँ ना रुक ना भाई तू रुक जा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जाओ 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 चाबी लेके जाओ 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 तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं ठीक है और बाइक लेके जाओ बाइक यहाँ छोड़ो क्यों जा रहे हो बाइक लेके जाओ बाइक लेके जाओ बारह का लड़का तू ऐसे गाड़ी चलाएगा हम तो बोल रहे हैं ठीक है चला रहा था हम फोन करूं आप जानते नहीं हम मैं कौन हूं फिर शुरू हो गया फोन करना वो बात तो पुलिस को बोल रहे कौन है अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर म्यूजिक तो ये जो लास्ट का क्लिप था तो इसमें मतलब मुझे हंसी आया पूरा क्लिप में पहले बोलता है मैं लोकल हूँ यहाँ का फिर बोलता है पारा का लड़का हूँ पारा मतलब इसी एरिया का लड़का हूँ फिर उसका लाइसेंस नहीं है हेलमेट ही नहीं है कुछ नहीं है फिर जाके पुलिस को बोला तुमको पता है मैं कौन हूँ भाई पुलिस है वो तो जो भी हो ये मुझे अच्छा लगा ये लास्ट वाला क्लिप अच्छा लगा ऐसा लौटना होना चाहिए जो पुलिस को बोल रहे पता है मैं कौन हूँ मेरा बाप कौन है मैं विधायक अपना चाचा विधायक है जो भी हो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा कल मिलता हूँ बहुत जल्द एक दूसरे ब्लॉग के साथ तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट एंटर योर मॉम थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे बाय बाय खुदा हाफिज़ टेक केयर।